हाँ गाइस यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फाइनली बाहर का काम पूरा हुआ, अब जल्दी से घर पे जाता हूँ। पता नहीं शिनचान और चॉप क्या कर रहे होंगे, मुझे उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इतने शैतान है ना दोनों जन, बस कुछ बिखेर ना दिया हो। शिनचान चॉप मैं घर पर आ गया हूँ, कहाँ पर हो तुम दोनों? शिनचान ओ भाई साहब ये क्या कर रहे दोनों जन? शिनचान क्या चल रहा है भाई? अरे ये हॉट डॉग बना रहा है, आज हम लोग हॉट डॉग पार्टी करेंगे। क्या बात कर रहे हो, अकेले अकेले? अरे कहाँ अकेले, मैं और शिनचान दो जन है, आप अंधे हो गए हो क्या? अरे मेरा मतलब था तुम दोनों अकेले क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए भी बना दूंगा। बताओ कैसा बनाऊं, नॉर्मल बनाऊं या मीडियम बनाऊं या फिर एकदम स्पाइसी? मेरे लिए तो भाई स्पाइसी बना, तुझे पता ना मुझे स्पाइसी कितना पसंद है। एक मिनट मुझे फोन आ रहा है। माइकल हेलो फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। मेरा एक काम है तुम्हें करना होगा, मना मत करना, तुम्हें दोस्ती का वास्ता। अब यार ये कैसी बात हुई? ठीक है बताओ। तुम्हें एक जगह से माल उठाना है और उसकी डिलीवरी मुझ तक करनी है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई। शिनचान चौप मेरा हॉट डॉग रहने दो यार, मेरे नसीब में खाना लिखा ही नहीं है। और गाइज एक बात और, अगर ये माइकल का काम है तो आसपास हमें बहुत सारी पुलिस भी देखने मिल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं उसकी वजह से फंसूं। तो मैं इन कपड़ों में तो नहीं जा सकता, हमें थोड़ा हुलिया बदलना होगा। जाकर देखता हूँ मेरे पास कोई मास्क या ऐसा कुछ पड़ा होगा तो। हाँ गाइस ये ठीक रहेगा, अब इसमें मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। अब मैं जाके जो चीज उठानी है उठा सकता हूँ, तो चलते फटाफट यहाँ से बाहर। गाइस यार गाड़ियां तो मेरे पास है पर मैं ये लेके नहीं जाऊंगा, अगर पुलिस ने नंबर प्लेट कैप्चर कर ली तो फिर मैं फंस सकता हूँ। उनको पता चल जाएगा मेरे घर का एड्रेस, मेरा नाम, मुझे किसी और गाड़ी को लेके जाना होगा। एक काम करता हूँ यहाँ पर खड़ा होता हूँ, जो गाड़ी सबसे पहले आएगी वो चुरा के भाग जाऊंगा। सामने से गाड़ी आ रही है गाइस, इसको भनकने लगने देंगे। अरे अंकल जरा रुक जाओ ना, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। एक बात बता आपको ये पता पता है क्या? बाहर निकलो यहाँ से। हाँ नहीं तो गाइस यार ये मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा। अरे ये तो आंटी निकली, और आंटी का आते एक्सीडेंट हो गया। गाइस यार हमने बहुत बुरा किया पर मजबूरी है भाई, क्या करूं, सॉरी आंटी। वैसे ज्यादा लगा नहीं होगा, वो खाली हल्की सी गिरी थी। तो गाइस अभी हमें लोकेशन देखनी होगी कि हमें जाना कहाँ पर है, और ये रही वो लोकेशन। पता नहीं किससे माल उठाना है और वो कौन सा माल है, ऐसा भी क्या होगा जो खुद लेने नहीं गया। गाइस यार लोकेशन पर तो हम लोग आ गए हैं और सामने बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, मुझे लग रहा है यही लोग होंगे। ये तो एकदम कबाड़ खाना लग रहा है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या यहाँ पर? मैं सही समझ रहा हूँ ना, आप वही हो ना जिसके पास माइकल का पार्सल है? मेरा नाम फ्रैंकलिन है और उसने मुझे ये पार्सल लेने भेजा है। अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है, ठीक है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हाँ हाँ मैं यू, उसने मुझे भेजा है। अच्छा ठीक है मैं भरोसे पर दे रहा हूँ, पर याद रखना कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चिंता मत करो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये मैं उस तक सेफली पहुँचा दूंगा। तो गाइस यार माल तो हमने ले लिया है, इसके अंदर क्या होगा? हीरे होंगे, पैसे होंगे, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है? छोड़ो गाइज मुझे पता भी नहीं करना, अब यहाँ से जल्दी से निकलते और जाते सीधा माइकल के पास और उसे ये जाके दे के आते यार, सर पे से बोझ कम करते। चलो माइकल का घर तो आ गया, माइकल का घर काफी अच्छा लगता है मुझे, कितना बड़ा है और गेट भी ऑटोमेटिक खुलता है। कहाँ हो सकता है माइकल? मुझे लग रहा है घर के अंदर होगा। तो गाइज जल्दी से उतरते यहाँ से। माइकल कहाँ पर है तू? मैं यहाँ पर हूँ नीचे। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। गाइज यार वो रहा माइकल, चलो फाइनली मिल गया, और उसका सामान भी हम लोग ले आए और हमारे पीछे पुलिस भी नहीं पड़ी। वाह वाह फ्रैंकलिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। अच्छा ठीक है अब मैं चलूँ क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, शिनचान चॉप घर पर अकेले है। अरे रुको रुको अपना इनाम तो लेते जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सूट मंगाया है, पीछे जो मंकी सूट दिख रहा है वो बहुत ही कमाल की चीज है, तुम इसे अपग्रेड करके किंग कॉन्ग का सूट भी ले सकते हो और वो एकदम असली जैसा काम करता है। क्या बात कर रहे हो, किंग कॉन्ग? फिर तो ये सूट मैं लूंगा। तो लो ये तुम्हारा ही है। तो गाय जल्दी से जाके लेते। भाई साहब कितना अजीब लग रहा है, मैं एक बंदर बन गया। वैसे तो शिनचान चॉप मुझे बंदर बोलते रहते हैं और आज मैं असली का भी बन गया हूँ। देखो ये वाली चीज बन के तो मुझे नहीं घूमना, मतलब कि छोटा सा मंकी यार बनना है तो किंग कॉन्ग बनना है, पर उसके लिए तो पैसे चाहिए ताकि हम अपना सूट अपग्रेड कर पाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ जंगल में क्योंकि वहाँ पर जानवरों को मारने वाले शिकारी बहुत आते हैं और अगर मैंने उनको ही मार दिया तो मुझे इनाम मिल सकता है। देखो गाइस हम लोग जंगल में तो पहुंच गए, यहाँ पर कुछ तो होगा जिससे हम जानवरों की मदद कर सके, इससे उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। एक मिनट गाइस यहाँ पर कोई तो लोग है, मुझे आवाजें आ रही है। ओहो हो हो यहाँ पर तो बहुत सारे शिकारी है, एक एक से हमें कितना इनाम मिल सकता है। इनको भून देते जल्दी से, और अब ये सब लोग गए। गाइस यार क्या बात है, पैसे मिल रहे हैं, किसी के 5,000 तो किसी के 10,000, क्या बात है यार, किसी किसी के थोड़े कम भी मिल रहे हैं। इन सबको जल्दी जल्दी है ना हराना होगा। यहाँ पर दो जन और है, और ये पहला गया और ये गया दूसरा, और कोई है?
गाइस यार क्या बात है, यहाँ पर भी दो जन है और पैसे, और ये भी गया, छुप के बैठा था, इसको लगा था ऐसे ये बच जाएगा। तो गाइस यार मुझे लगता है मैंने सबको हरा दिया है, हरा ही दिया ना। हाँ अब मुझे नहीं लगता कि कोई है, और मेरे पास जमा हो गए पूरे $50,000। 50,000 में कौन सा सूट होगा देखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सब करके, और ये परचेज। वाह गाइस पहले से हम लोग थोड़े से बड़े हो गए। और ये क्या, इसने चड्डी क्यों नहीं पहनी है? अबे यार क्या दिखाते हुए चल रहा है, कोई बात नहीं गाइस, जानवर है यार, जानवर थोड़ी ना कपड़े पहनते हैं। पर मैं अंदर से तो इंसान ही हूँ ना, मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है। देखो गाइस अभी हमें और भी पैसे जमा करने हैं ताकि हम इससे भी अच्छा वाला सूट ले सके, और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा, वहाँ कोई ना कोई तो जुगाड़ मिल ही जाता है। शहर तो हम लोग पहुँच गए। अबे यार कितनी ट्रैफिक होती है यहाँ पर, कितनी गाड़ियाँ है। एक मिनट, गाड़ियों से कुछ याद आया गाइस, अगर हमें कोई कमाल की गाड़ी मिल जाए ना तो हम उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं। हमें बस यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है, कोई ना कोई तो अच्छी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, फिर मैं उसको चोरी कर लूंगा। पर पता नहीं कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसी गाड़ी दिख नहीं रही है। थोड़ी देर और रुक जाते हैं, वरना फिर कुछ और सोच लेंगे, क्योंकि पैसे तो जमा करने ही है किसी भी हालत में। ए गाड़ी कहाँ है रे तू? ओह गाइस जरा इसको तो देखो क्या स्पीड में गई है, मुझे उसका पीछा करना होगा। अरे भैया ये एड्रेस हटा यहाँ से। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, किसी को एड्रेस पूछो ना तो वो मना भी नहीं करता है, पर उसको क्या पता मेरा क्या इंटेंशन है। तो इससे क्या सीखने मिलता है बच्चों, कोई भी एरा गेरा बुलाए तो जाने का नहीं। अब वो एड्रेस पूछे, चॉकलेट दे या किसी और चीज का लालच, हमेशा अपने आस पास देखो, ध्यान रखो और सतर्क रहो। अब मुझे इस गाड़ी का पीछा करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड जा रही है, इसको तो ठोक ठोक के रोकना होगा। थोड़ी सी खराब होगी तो चलेगा, तो भी ज्यादा ही दाम आएगा। भाई साहब जरा देखो तो सही, ये तो रोकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको जोर से टक्कर मारते हैं आगे से। क्या ऊपर से गई है। एक मिनट गाइस रुक गई, आउच यार ये ट्रक भी ना। चलो अब जल्दी से नीचे उतरते हैं इससे पहले कि ये चालू करे, इसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। चलो चलो भैया बहुत हो गया, बहुत दौड़ा लिया हमको, अब थोड़ी देर यहाँ पर आराम करो, हम आते हैं थोड़ी देर में। अंकल लगता है गुस्सा हो गए थे, पीछा करने वाले थे, पर ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड है ना, मैं तुरंत निकल गया। अब जल्दी से जाके इसको बेच देते हैं, पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। मुझे एक अच्छा खासा सूट खरीदना है यार, काश के साइमन इसका अच्छा पैसा दे दे। हम लोग बस उसकी दुकान पर पहुंचने वाले, और ये आ गई उसकी दुकान, उसकी डीलरशिप, और वो सामने ही खड़ा है साइमन। अब जल्दी से जाते हैं उसके पास। साइमन मेरी बात सुनना, मुझे तुझसे काम है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या ही काम होगा, ये जो तुम गाड़ी लेके आए हो इसे तुम्हें बेचना है, सब जानता हूँ मैं, चोर कहीं के। और एक बात बताओ, एक बंदर होके गाड़ी चलाते हो शर्म नहीं आती? देख भाई पहली बात तो मैं बंदर नहीं, मैं फ्रैंकलिन हूँ, आज के दिन बस मैं किंगकॉन्ग बनने की ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा फ्रैंकलिन तुम हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया था, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ल भी तो कुछ ऐसी है। अरे यार सड़ा मत, ये गाड़ी का बोलो कितना दोगे? इस गाड़ी का मैं तुम्हें दे सकता हूँ $1,00,000। क्या बस? देखो तुम्हें चाहिए तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई। गाइस यार $1,00,000 तो $1,00,000 ही सही, अब देखते कौन सा सूट मिलेगा $1,00,000 में। और ये परचेज, कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा किंगकॉन्ग है, ये तो किंगकॉन्ग जैसा लग भी नहीं रहा है, ये तो किसी गेम का कैरेक्टर है। मुझे याद है ये भी किंगकॉन्ग की कैटेगरी में आता है, मुझे पता नहीं था। गाइस अब कुछ और सोचना होगा। एक मिनट, पहले हम लोग रैंप खेल के पैसे कमाते थे, आज भी कोई रैंप कर लेते हैं। तो गाइस इसलिए मैं पहुंच गया हूं एक रैंप के पास, और यहाँ मुझे 4-5 बाइक दिखाई दे रही है। इसका एक ही मतलब है, रैंप बाइक से होने वाला है। चलो भैया जल्दी बताओ रूल क्या है, करना कैसे है। अच्छा अच्छा बताता हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी बाइक दिख रही होगी, तो ये तो ऑब्वियस है कि बाइक से ही करना है। और ये रहा वो रैंप जिसे तुम्हें कम्प्लीट करना है, वो भी सिर्फ 3 अटेम्प्ट में। अगर नहीं कर पाए तो इनाम भूल जाओ। नहीं नहीं मैं करूंगा। गाइस यार जल्दी से जाते और बाइक पर बैठते, बहुत टाइम बाद मैं ना रैंप कर रहा हूँ, वरना आजकल तो खाली पार्कोर चैलेंज होता है। ओ भाई साहब कितनी गाड़ियाँ है, अगर इनको चुरा लूँ ना तो मेरा नया सूट आ जाए। पर चुरा नहीं सकते, ये रैंप बहुत ही ज्यादा हवा में है, लेके कैसे जाएंगे, और कोई मतलब बनेगा नहीं, भंगार के भाव से जाएगी फिर। अब बस कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस रैंप को पूरा करने में। ओ भाई साहब कितने बड़े टायर है, सोचो ये टायर जिस गाड़ी में लगते होंगे वो गाड़ी कितनी बड़ी होती होगी। और ये भाई साहब एक ही बार में क्या क्रॉस किया गाइस मेरा। ओ बच गए बच गए बच गए, अब तो नीचे ही चला जाता और एक अटेम्प्ट भी चला जाता हमारा। ये टायर को साइड में करते हैं फटाफट। अब यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा, मतलब के बाइक दौड़ा के आगे। गाइस बहुत सारी बॉल्स है जो हमारे बीच में नहीं आई, बच गए हम लोग। ओ नहीं 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 नहीं, क्या यार एक अटेम्प्ट चला गया, बातों बातों में ध्यान ही भटक जाता है मेरा। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी भी 2 चांस बाकी है जिसमें हम लोग ये कर ही सकते हैं, हमें बस धैर्य रखना है और आराम से करना है। यहाँ से गोल घूम कर जाएंगे, इस बार नहीं गिरना चाहिए, बस आराम से पतला रास्ता है। एक तो इतने बड़े बड़े क्यूब रखे ना यहाँ पर। गाइस यार एल से याद आया, जल्दी लाइक करो, लाइक नहीं करते आप लोग यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलो 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 साइड हटो, अबे यार गिर जा। चलो गिर गया गाइस, अब यहाँ से फिर पतला रास्ता, यार क्या दुश्मनी है मुझसे, एक बंदर पर इतना जुल्म। चलो 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 थोड़ा ही बाकी गाइस, हम लोग कर लेंगे यार, इतना डरने की कोई बात नहीं, पहले भी किया है।
और ये गिराया पूरा बॉल का पहाड़। कितनी मेहनत से बनाया होगा, एक ही झटके में तोड़ दिया। गाइस मुझे लगता है यहाँ से कार लेके जाना होगा, ये तो उसने मुझे बताया भी नहीं था। देखो कैसा होस्ट है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से जाते हम लोग बड़े बड़े बर्गर के बीच में से निकलेंगे। और फिर टायर दोनों का ही शेप सेम था। चलो चलो गाइस, ये क्या था, पियानो। अब यहाँ पर एक टनल है जिसके अंदर से हमें जाना है। और भाई साहब यहाँ टनल के ऊपर से जाना है, क्या बात है। पहले अंदर से फिर बाहर से। गाइस यार कितना कुछ लगा रखा है बीच में ताकि हम लोग नीचे गिरे, पर ये कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग है प्रो प्लेयर। अब यहाँ से सीधा जंप। ओ भाई साहब आगे कुछ नहीं है, बच जा। हो चलो फाइनली प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। थोड़ा सा और पीछे होता ना तो पक्का नीचे गिर जाते। अब यहाँ से जंप मारनी है दोनों टायर के बीच में से, और ये हम लोग पहुंच गए। अब यार मुझे उन तीनों को गिरा के स्ट्राइक करना था, पर टाइम नहीं है। टाइम की दिक्कत है। कभी कभी जबान फिसल जाती है। और ये कैसा रास्ता यार, आड़ा टेढ़ा। ओ नहीं 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 नहीं, बच जा। एक मिनट, मैं बंदर जैसा साउंड क्यों कर रहा हूँ, खाली अंदर से हूँ ना, या शिनचैन चॉप सही बोलते हैं। चलो गाइस यहाँ पर भी बच गए। और ये जंप छोटी सी। ओ अबे यार ये ऐसे क्यों पलट जाती है, मेरा दिल मेरे मुंह में आ जाता है, कभी कभी बाहर भी आ जाएगा। और ये मैं चला फाइनल पॉइंट पर। और गाइस फिनिश, और पूरा सामने अपना इनाम। जल्दी से उतरते हैं और जाके अपना इनाम लेते हैं। यार पता नहीं कितना मिल रहा होगा, जरा देखे तो सही। जल्दी से उठाते हैं इसको, पहले थोड़ा निहार ले। और गाइस हमें मिले हैं पूरे $5,00,000, क्या बात है यार, इससे अच्छा खासा सूट आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं और ये परचेज। ओ गाइस चलो फाइनली किंग कॉन्ग बने हम लोग, मतलब के छोटा वाला किंग कॉन्ग। पर गाइस हम लोग जरूर बड़े होंगे, देखो अगर मैं किंग कॉन्ग बनाऊ तो मेरे पास पावर भी आई होगी, और मुझे पता है मुझे इससे क्या करना है। हम लोग करेंगे तबाही, थोड़ी सी तोड़ फोड़ जिससे हमें पैसे मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था जब मैंने गाड़ी को फोड़ा था तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे। देखते हैं कितने मिलते। भाई सीधे 20,000, क्या बात है यार। इस वाली गाड़ी को फोड़ के देखते हैं। और ये गई एक साथ 3-4 को लेके। गाइस यार उसको पूरा $1,00,000 मिला, क्या बात है, इसको देखते हैं ये उससे बड़ी है। और ये गई दो गाड़ियों के पैसे। गाइस यार अच्छा खासा पैसा जमा हो रहा है, क्या बात है। अब इसको एक घुसा मारते, क्या फूड़ा है। अब इसकी बारी, बूम बाम करेंगे यार आज तो। गाइस यार क्या पैसे मिल रहे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है इतने ज्यादा मिलेंगे। अब इसकी बारी, खतरनाक पैसे जमा हो रहे, किसी किसी गाड़ी के तो 2,00,000 भी मिले, तो किसी के 20-30,000 भी मिल रहे हैं। और गाइस बहुत जल्दी अपने पास $1,000,000 जमा हो जाएगा। सोचो उससे कौन सा वाला सूट खरीद सकते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी 1,000,000 पूरा करते हैं। और बूम, कितनी सारी गाड़ियां फूटी है। गाइस यार कमाल हो गया, मुझे लग रहा है हमारे $1,000,000 जमा हो गए। लग क्या रहा है, हो ही गया है। अब देखते हैं 1,000,000 में कौन सा सूट होगा। और ये परचेज, फाइनली गाइस हम लोग बिग किंग कॉन्ग बन गए, मतलब असली किंग कॉन्ग। क्या सूट है यार, क्या दिख रहा है। तो गाइस यार मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।